हेलो एवरीवन, दिस इज रोशन कुमार एंड वेलकम टू माय टेक्निकल क्लासेस। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के तीन पेपर। पहला जो हमारा पेपर है ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। फर्स्ट पेपर हम जो पढ़ाएंगे वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम इसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये सर्किट थ्योरी एंड नेटवर्क के नाम से लिखा हुआ है। सेकेंड आपका जो पेपर हम पढ़ाने वाले हैं वो पावर सिस्टम जनरेशन पढ़ाने वाले हैं और थर्ड जो हम पढ़ाने वाले हैं क्या इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। तो ये जो फर्स्ट वीडियो है ये आपका इंट्रोडक्शन है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा जो सबसे पहला, इसे हम 6 मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं। आपका जो सिलेबस है उसे हम 6 मॉड्यूल में डिवाइड किए हैं। पहला जो मॉड्यूल हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीरो से शुरू करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को इसका कुछ भी मतलब आइडिया नहीं है वो भी इसे पढ़ सकता है, बशर्ते कि आप ध्यान से आप मेरी बातों को सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। हम सबसे पहले शुरुआत से शुरू करेंगे, व्हाट इज चार्ज है हम वहां से शुरू करेंगे और एक जीरो लेवल से शुरू करके अच्छे लेवल तक हम जाने वाले हैं, बशर्ते कि आप लोग ध्यान से अपने नोट्स और हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पहले पेपर में पहला जो यूनिट है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इंट्रोडक्शन करने वाले हैं चार्ज क्या होता है, कौन सा लोगे होता है, रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टर किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मॉड्यूल है वो है नेटवर्क लॉ। इसमें हम देखने वाले हैं केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है, फिर केसीएल और केवीएल की हेल्प से हम जो छोटे छोटे सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे। हमारा जो मॉड्यूल 3 होने वाला है वो नेटवर्क थ्योरम है। नेटवर्क थ्योरम में हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये सब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल 4 है इसी हमारा एसी सोर्सेज है। एसी सोर्सेज में हम देखेंगे कि उसका जनरेशन कैसे किया जाता है, उसका जो मतलब उसके अलग अलग टर्म जो उससे रिलेटेड होते हैं, वेवफॉर्म क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, ये सारा चीज हम आपको इस मॉड्यूल 4 में आपको देखने को मिलेगा। मॉड्यूल 5 में हम सिंगल फेज एसी सर्किट हम देखने वाले हैं। सिंगल फेज एसी सर्किट में आर एल और सी देखने वाले हैं। जब उसको एसी वेवफॉर्म से फीड करते हैं तो क्या होता है, फिर आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट में क्या होता है, ये सारी बातें देखने वाले हैं मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 6 में 3 फेज सर्किट है। 3 फेज सर्किट में हम उसका जनरेशन देखने वाले हैं, फिर फेज सीक्वेंस क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, ये सारा मॉड्यूल जो है आपका 6 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है आपका सिलेबस को। ये आपका जो मॉड्यूल जो है आपको सिलेबस जिस तरह से लिखा हुआ उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो भी कंटेंट है आपका सिलेबस से, सिलेबस का तो जितना होगा तो हम पढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ में आपको सिलेबस से अलावा भी बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। जिससे कि आप अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या आगे आप हायर स्टडीज बीटेक में जाना चाहते हैं तो आपको वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम आपको जीरो से लेकर के एक अपर लेवल तक का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक ना। हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इस आगे के मॉड्यूल में कि क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बकायदा बिना मतलब का ये वीडियो अगर हम सब कुछ यहीं पर डिस्कस करते तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। इस कारण से हम जो है इसे शॉर्ट में बस आपका 6 यूनिट दिखा रहे हैं कि 6 मॉड्यूल में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जस्ट इसके बाद हमारा पहला जो मॉड्यूल होगा वो शुरू होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बने रहिए हमारे साथ माय टेक्निकल क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।